नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, नेचर इज द गॉड, यानी ही प्रकृति ही भगवान है। जैसे जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो परमपिता परमात्मा ने ठीक करने के लिए प्रकृति में ही सब कुछ दिया है। जैसे मैं आज आपको चूने के गुणों के बारे में बता रहा हूँ। चूना में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम से चूना खाने से हमें किस प्रकार लाभ होता है, देखिए मित्रों। केवल एक गेहूं के दाने के बराबर, देखिए इतना, गेहूं के दाने के बराबर चूना खाने से हमारे पूरे रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे के गठिया और घुटने दर्द में गेहूं के दाने के बराबर चूना गर्म पानी से खाएं, या दही में डालकर खाएं, या दाल में डालकर खाएं, तो हमारे दर्द में बहुत लाभ होता है। और जिन बंधुओं के सर्वाइकल हो गया है तो चूना दाल में डाल करके खाएं। और चूना खाने से मित्रों बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है, और जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं तो एक गेहूं के दाने के बराबर चूना प्रतिदिन खाने से बच्चों की बुद्धि तेज हो जाती है। और 50 वर्ष के बाद जो माँ बहनाओं के रजस्वाला बंद हो जाती हैं, तो मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो उनको चूना अवश्य खाना चाहिए। और मित्रों, जिनको पीलिया हो जाए तो गन्ने के रस में चूना खाने से पीलिया ठीक हो जाता है। और नपुंसकता में चूना खाने से उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। और मित्रों, सिल्फ डिस्क में भी चूना खाना चाहिए, और हड्डी के रोगों में चूना खाने से हड्डी का रोग ठीक हो जाता है। और जिनके दांत में दर्द रहता है, मसूड़े में सूजन रहती है, दांतों से खून आता है, वो गेहूं के दाने के बराबर चूना प्रतिदिन खाएं। यानी कि चूना 70 रोगों को ठीक करता है। पत्थर वाला चूना ही शुद्ध करके खाएं। और मित्रों, गाय भैंस को चूने का पानी पिलाएं, गाय भैंस का दूध बढ़ेगा और मक्खन भी बढ़ेगा। चूना खाने से दोस्तों माताओं का बांझपन भी ठीक हो जाता है। बांझपन वाली माँ बहनें चूना अवश्य खाएं। और गर्भपात होने पर चूना भी अवश्य खाएं। जिन्हें माताओं को गर्भ जल्दी गिर जाता हो तो उनको प्रतिदिन चूना अवश्य खाना चाहिए। और गर्भवती माताओं को चूना अनार के रस में मिलाकर खाने से बहुत लाभ मिलता है। उनका जो डिलीवरी, जो बच्चा पैदा होता है, वो नॉर्मल हो जाता है, और बच्चा जो पैदा होगा वो बलवान होगा और जीवन में कभी बीमार नहीं होगा। तो गर्भवती माताओं को 9 महीने तक चूना अवश्य खाना चाहिए। और दोस्तों, जिनके गुर्दे में पथरी है वो चूना न खाएं, और गाल ब्लैडर में पथरी है वो भी चूना न खाएं। और दोस्तों, एक कटोरी दही यानी कि 100 ग्राम में गेहूं के दाने के बराबर चूना खाने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। और चोट लगने पर चूने का लेप करना चाहिए। घुटना दर्द, एड़ी दर्द, कमर दर्द में गन्ने के रस के साथ चूना खाना चाहिए। और चूना संतरे के रस में खाने से बच्चों को बहुत लाभ मिलता है। और मट्ठा में या दाल में डाल करके भी लीवर में 10 दिन खिलाएं तो लीवर बच्चों का मजबूत हो जाता है। अनार के रस में भी चूना खाने से बहुत लाभ मिलता है। तो दोस्तों, परमपिता परमात्मा ने जो हमें पहाड़ों के रूप में चूना दिया है, वो शुद्ध करके चूना खाना चाहिए। वैसे मित्रों, ये
2 रुपए का चूना आता है, देखिए पान वाले से ले सकते हैं आप, और 1 महीने तक ये 2 रुपए का चूना काम करेगा। देखिए केवल 2 रुपए का चूना, गेहूं के दाने के बराबर खाना है, केवल गेहूं के दाने के बराबर, तो हमको कैल्शियम भरपूर मिलेगा। तो दोस्तों, नेचर इज द गॉड, प्रकृति ही भगवान है, हमको बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं जयपाल सिंह आर्य, मोबाइल नंबर 98 97 35 83 04। जय हिंद, जय भारत।